हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बने रहे। तो बात करते हैं यहाँ पे इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीएल की दो ऐसी टीम्स के बारे में जो कि राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है। इन दोनों की टक्कर जब जब होती है तो मैदान में तहलका मच जाता है। जहाँ पे एक तरफ एक टीम अर्श पे है तो वहीं दूसरी टीम फर्श पे है। कोहली की टीम जो कि अब तक 4 मैच में से 3 मैच हार कर बॉटम पे स्टेबल है। तो वहीं बात करें दूसरी टीम राजस्थान की टीम, जो कि खेल गए 3 मैच जीत कर टॉप पे स्टेबल है। यहाँ पे आईपीएल का 19वां मुकाबला जो कि जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे सूर्या भाई का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। उनका काम काफी अच्छा चल रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहां पे दोनों के बीच में टोटल 30 मैच खेले गए हैं, जिसमें से राजस्थान 12 मैच जीत के आ रही है तो वहीं पे बेंगलोर 15 मैच जीत के आ रही है। अब बात करते हैं इनके पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहां पे जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम का पिच बैटिंग फ्रेंडली माना जाता है। यहां पे स्ट्रोक प्ले इजी होता है खेलना, जहां पे बॉल बैट पर सही तरीके से आती, स्पिनर्स को यहां पे खासा हेल्प मिलता है। अब बात करते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहां पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 57% रहेगा और टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं बात करें इनके विनिंग परसेंटेज बात करते हैं, जहाँ पे बैटिंग फास्ट का यहाँ पे 33% जीतने का चांस है तो वहीं बॉलिंग फास्ट का यहाँ पे 67% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 160 है तो वहीं पे सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 146 है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम के लिए टूर्नामेंट अब तक बहुत बुरा निराशाजनक चल रहा है, क्योंकि टीम अब तक 4 मैच में से खेलकर बस एक ही मैच में जीत हासिल की, जहां पे टीम के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। टीम अगर कमबैक नहीं की तो टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। जहां पे लास्ट गेम में टीम लखनऊ के खिलाफ टारगेट चेस नहीं कर पाई थी। विराट कोहली की फॉर्म टीम के लिए गुड न्यूज है। कैप्टन की बात करें जो कि डुप्लेसिस है, अब तक बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं। जहाँ पे विराट कोहली और फैफ डुप्लेसिस जो टीम के लिए ओपनिंग में अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, कोहली ने 203 रन बनाकर ऑरेंज कैप होल्डर है। नंबर 3 पे जहाँ पे रजत पाटीदार जो कि लास्ट गेम में थोड़ा सा फॉर्म में अपना दिखाया था। वहीं पर मिडिल ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन जो कि अभी तक आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं। फिनिशिंग में बात करेंगे तो दिनेश कार्तिक, अनुज रावत है। वहीं कार्तिक का स्ट्राइक रेट अच्छी है। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो वो भी फ्लॉप चल रही है। अगर 4 मैच रिसेंटली बात करेंगे तो 4 मैच में बॉलिंग बुरी तरह पिट रही है। जहाँ पे मोहम्मद सिराज टीम में अब तक उतने असरदार नहीं दिखे। जहाँ पे यश दयाल ने लास्ट गेम अच्छा स्पेल डाला था, स्पिन बॉलिंग में जहाँ पे करण शर्मा की जगह आए थे मयंक डागर जो कि अच्छे टच में भी दिखे। यहाँ पे अल्लारी जोसेफ की जगह लास्ट मैच में ऋषि टोपली को चांस मिला था, जहाँ पे पार्ट टाइम मैक्सवेल ने 2 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं बेंगलोर का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे फैफ डुप्लेसिस जो कि कप्तान है, विराट कोहली है, रजत पाटीदार है, ग्लेन मैक्सवेल है, कैमरन ग्रीन है, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, यश दयाल, मोहम्मद सिराज, ऋषि टोपली और मयंक डागर। वहीं अगर इम्पैक्ट में बात करेंगे जो कि महिपाल ओमरर है, प्रभु देसाई है, कर्ण शर्मा, विजय शंकर व्यास है और स्वप्निल सिंह है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि दिनेश कार्तिक है, विराट कोहली और मोहम्मद सिराज। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी राजस्थान रॉयल्स का शॉट एनालिसिस करते हैं। तो बात करेंगे रॉयल्स की टीम अब तक टूर्नामेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए आगे बढ़ी है। टीम अपने 3 मैच जीतकर जीत का झंडा गाड़ी हुई है। टीम अब तक एक भी मैच नहीं हारी। टीम ने पहले गेम में जहां पे लखनऊ को हराया तो वहीं दूसरे में दिल्ली को हराया और लास्ट गेम में जहां पे टीम मुंबई को उसके घर में ही हरा दिया। टीम की कप्तानी की बात करें जो कि संजू सैमसन संभाले हुए हैं। ओपनिंग में आपको यशस्वी जायसवाल, जॉस पटेल के बैट से रन नहीं निकल रहा। जहां पे नंबर 3 पर कप्तान संजू सैमसन जो अग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं। जहां पे नंबर 4 पर रियान पर्याय जो कि जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं, हर गेम में मैच फिनिशिंग कर रहे हैं। महज 3 इनिंग में उन्होंने 181 रन बना दिए। वहीं पर अश्विन को बैटिंग में प्रमोट किया जा रहा है, वो भी रन बना रहे हैं। लोअर ऑर्डर में जहाँ पर सिमरन हेटमाया एंड ध्रुव जोहल जो टीम को ज़्यादा चांस नहीं मिल रहा। बॉलिंग में बात करें तो टीम मुंबई को एक कमर तोड़ दी।
टीम की सभी बॉलर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, टीम के 5 रेगुलर बॉलर्स के साथ खेल रही है, जहां पे बॉलिंग में पेसर ट्रेंट बॉल ने 3 और अफ्रीका के पेसर नादर बर्ग जो कि 2 विकेट लिए थे, जहां पे आवेश खान भी लाइन लेंथ से बॉल डाल रहे हैं। स्पिन बॉलिंग में जहां पे अश्विन और युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे यशस्वी जायसवाल है, जॉस बटलर, संजू सैमसन, रियान पर्याग है, ध्रुव जुरल है, सिमरन हेटमायर, रविंद्र चरण अश्विन है, युजवेंद्र चहल है, आवेश खान है, नाजरे बर्गर और ट्रेंट बोल्ट है। अगर इम्पैक्ट में बात करेंगे, मैं इम्पैक्ट में प्लेयर आपको रोवन पॉवेल है, तनुष कोटिया, कुलदीप सेन है, शुभम दुबे, अबिद मुश्ताक है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि संजू सैमसन है, यान पर्याग है और यूजी चहल है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं टॉस विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉस विनर राजस्थान रॉयल्स होगा। वहीं अगर मैच विनर की बात करेंगे तो यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स ही होगा, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम काफ़ी जबरदस्त है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बेंगलोर को अगेन हार मिल सकते, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।